हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शामी कबाब बनाने की रेसिपी। यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें, वैसे शामी कबाब बनाए जाते थे जब पहले तो लोग सिल पे पीसा करते थे, इसलिए इसमें सारी ही साबित चीज़ें डालते थे, जो या गरम मसाला हो, किसी भी तरह की जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते थे, मसाले पड़ते थे, वो सारे ही साबित पड़ते थे और लोग उसको सिल पे पीसा करते थे। लेकिन अब हम लोग ग्राइंडर का यूज़ करते हैं घर में, तो इसलिए यहाँ पर पिसे हुए मसालों का यूज़ किया है, क्योंकि ग्राइंडर में गीला होने के बाद इतना अच्छे से मसाला पिस नहीं पाता है और कहीं कहीं पर टुकड़े बने रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे ही पिसे मसालों का यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने वीडियो के लास्ट में आपके साथ एक टिप शेयर करते हैं, प्लीज़ आप उसको जरूर वॉच करें। और सबसे पहले एक हम कुकर ले लेंगे, कुकर में इसको बॉईल करेंगे कीमे को। अगर आप चाहें तो भगोना, पतीली, जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुकर में काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर कीमा ले लिया है, कीमे को अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसके बाद इसमें चने की दाल। ये दाल जो है, इसको पहले सोक किया था 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद में इसको धो लिया। बाद में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और ये ज़ीरा है पिसा हुआ, इसे डाल देंगे। ये सौंफ है, इसे डाल देंगे। ये है लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया। उसके बाद हमें जो डालना है वो है लहसुन, अदरक और प्याज। तो प्याज को इस तरह से छील कर और इसको आप टुकड़े करके इसमें डाल दीजिए। अदरक को छील कर इसको भी आप टुकड़े करके डाल दीजिए और साथ ही लहसुन भी डाल देंगे। चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे ही मसाले चूल्हे पर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। आपको बताना चाहेंगे, इसमें हम थोड़े से भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, जो कीमे में से पानी निकलेगा, ये दाल और कीमा, बाकी चीज़ें सब इसी में ही गल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर हम अलग से पानी नहीं डालेंगे और इसी में ही इसको गलाएंगे। इसको पहले ही सोक कर लिया था, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है उसको गलाने के लिए। लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि पानी की कमी इसमें ना हो और जो कीमे में से पानी छूटे उसी में ही अच्छे से ये गल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। अब इसे गैस पे चढ़ा दिया है और विसिल आने का वेट करेंगे। विसिल आ जाने के बाद में इसको हम बिल्कुल भी दूसरी विसिल नहीं लेंगे और एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे। लो फ्लेम पर कम से कम इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और इतने में कीमा गल जाएगा और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो चलिए इस तरह से इसको करते हैं और फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब इसकी स्टीम निकल चुकी है, चेक करते हैं इसको। इसका पानी एकदम ड्राई हो चुका है और साथ ही कीमा और दाल दोनों ही गल भी चुके हैं। प्रोसेसर में ब्लेड लगा देंगे और कीमा इसमें डाल देंगे। कीमा थोड़ा ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म नहीं डालेंगे। इस तरह से कीमा इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर आधा पिस चुका है। इसमें अब हम एक अंडा डाल देंगे, आधा किलो कीमा है तो एक अंडा काफ़ी है। फिर से चलाएंगे जब तक कीमा अच्छे से बिल्कुल बारीक पिस ना जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एकदम बारीक पीस लिया है ये कीमा और साथ ही इसको स्टफ़ करने के लिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक और ये हरा धनिया काट लिया है एकदम बारीक। अगर आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इन चारों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में। सारी ही चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है और अब हम कबाब बनाएंगे।
कबाब बनाने के लिए एक बाउल में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। थोड़ा सा पानी यहाँ पर हथेली पर लगाएंगे, जिससे कबाब तेमा हथेली पर चिपके नहीं। और लेकर इस तरह हथेली पर फैलाएंगे और ये चारों चीज़ें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से और इसको इस तरह से बनाएंगे, साइडों से दबाते हुए इसको गोल करेंगे और फिर इस तरह से इसको बनाएंगे, प्रेस कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ही सारे कबाब बना लेंगे। और अब एक पैन को गैस पर रखेंगे और सरसों का ऑयल डालेंगे इसमें। कबाब को हमेशा शैलो फ्राई किया जाता है। ऑयल हो चुका है, अब इसमें एक एक करके कबाब लगा देंगे। पहले इसकी एक साइड ब्राउन हो जाने देते हैं, पलटेंगे। इसको मीडियम रखेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, पलट देंगे आहिस्ता से। इस तरह से सारे ही कबाब पलट लेंगे। दूसरी साइड भी ब्राउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्योंकि अंडा डालने से ये होता है, कबाब फटते नहीं हैं, फैलते नहीं हैं, यानी कि बिखरते नहीं हैं वो, और साथ ही उनका कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप अंडे का यूज़ ज़रूर करें। दूसरी साइड भी ब्राउन हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे फिर से। और इसी तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कबाब तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से ज़रूर ट्राई। देखते हैं आज का टिप क्या है। और आज का टिप है हल्दी का दाग। हल्दी का दाग सबसे कॉमन धब्बा है हम लोगों के कपड़ों पर लगने वाला। तो हल्दी का दाग छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप उसको किसी अच्छे डिटर्जेंट से धो लीजिए और फिर उसको धूप में सूखने रखिए, और जो जिन कपड़े पर धब्बा लगा है वो साइड आप धूप की तरफ रखें, क्योंकि धूप में जो है हल्दी का दाग उड़ जाता है। तो बस आप इस बात का ख्याल रखें, धब्बा चला। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर